हाई एवरी वन वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश फिल्म माइन एम एस सिद्धांत शर्मा एंड स्टूडेंट्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन अगेन आप लोगों का स्पॉटिंग दी एयर के दस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो स्टूडेंट शुरुआत करने से पहले well, फॉर लाइव इसको यूज करते हुए दस परसेंट का डिस्काउंट तुरंत एंड दिस इज माई प्रोफाइल यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ताकि अपडेट आप लोग जो है मिस नहीं करें तो स्टूडेंट्स अन प्लस पे यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म ये लाइव लर्निंग रहेगी आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे लेकिन लाइव पढ़ाएंगे सब लोग एक्सेस आपका अनलिमिटेड रहेगा एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल का पीडीएफ एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन अमेजिंग प्रिपरेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज 18 अगस्त को यानी कि आज 16 है 17 18 परसों राइट

आ, ये टीम जो है ना गाइस दिस इज यू कैन द क्रीम ऑफ अन अकेडमी आपका पिछला सी हमने दिखाया आपको करके कि भाई साहब हम सबने ही डिस्कस किया मिलके कहां से कहां पहुंच गए है ना तो सब कुछ जो था क्लास में ही कवर था तो टचवुड इस बार भी ऐसा ही करने वाले हैं हम लोग अगली चीज गाइस दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट यानी कि कमिंग संडे सुबह ग्यारह बजे से दोपहर के तीन बजे तक आपका एक आ, फ्री डिफेंस एग्जाम वर्कशॉप है दिल्ली में राइट जिसमें सी डी एस एन डी एस एस बी सी ए पी एफ और एफ कैट सभी एग्जाम्स के जो मतलब बच्चे टिप्स लेना चाहते हैं कुछ स्ट्रैटेजी चाहते हैं राइट तो वो सी डी एस राइट टिप्स फॉर एस एस बी एंड एवरी थिंग अवेलेबल राइट और ये इसका लिंक है सॉरी लिंक नहीं ये इसका एड्रेस है गाइस ठीक है आप देख सकते हैं यहां पे आप लोगों को पहुंचना है आप बस इस पे इस फॉर्म पे रजिस्टर कर दीजिएगा ठीक है जो भी पूछेगा बता दीजिएगा एंड आपको इसका इनवाइट आ जाएगा उस इनवाइट को देख के आपको एंट्री मिल जाएगी ठीक है यशमोर सर है सुमित कुमार सर है विशाल सर है राइट वी ऑल ऑल विल बी देयर ऑल ऑल थ्री विल बी देयर

आपके सी डी एस में एनडीए में एफ कैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी वर्डिंग बहुत ही सिंपल होती है हम उसको जज ही नहीं कर पाते क्वेश्चन में हमें कैसे माप दे क्या वो आई नॉट आई नॉट लाइक हिम डिस्टर्बिंग मी एट दिस लेट आर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हर क्वेश्चन के साथ एक रूल होगा गाइस ठीक है यहां में <coughs> आप देखेंगे सब्जेक्ट डिड नॉट लाइक वर्ब टेक्निकली यहां पे ऑब्जेक्ट <coughs> चाहिए था ठीक है तो ये जो है गाइजर ये आपकी क्या है जी जिरण वर्ब है जिरण वर्ब है जिरण वर्ब क्या होता है वर्ब के साथ आई और और फंक्शन कैसे करता है नाउन के साथ अगर आप ध्यान से इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पे हिम लगा है हिम क्या है जी प्रोनाउन है तो स्टूडेंट्स हाँ एक बड़ा ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन किया हुआ है कि जो जेरेंड वर्ब होती है इसके पहले एडजेक्टिव आ सकता है लेकिन प्रोनाउन तो अपने आप में नाउन को रिप्लेस करता है वो कभी नहीं आ सकता है तो गलती रहेगी इसकी यहां पर <coughs> ही का पोजेसिव फॉर्म क्या होगा गाइस ही का पोजेसिव फॉर्म होगा आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट लो जी उम्मीद करता हूं मेरे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज अब आज, आज आपको दो सेशन मिलेंगे तो Guys, मुझे लगता आपको इसमें कोई दो चार सेकेंड से ज्यादा लगाना चाहिए ठीक है कुछ डॉक्टर लोग पढ़ा रहे हैं कि प्रेफरेबल के बाद ओवर मुझे बड़ी खुंदक है भाई सही बता रहा हूँ तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड लिख लीजिए प्रायर प्रेफर बोल देता हूं प्रायर प्रेफर मेजर माइनर सीनियर जूनियर इंटीरियर एक्सटीरियर इंफीरियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर बारह शब्दों के बाद आप लोग जो है धैन नहीं यूज करेंगे गाइस आप लोग जो है बचा लोग टू यूज करेंगे आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट सो सिंपल सो सिंपल राइट तो शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

राइट right? तो स्टूडेंट्स टेक्निकली तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है बट याद रखना एक तो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर राइट एक तो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर राइट वो बाद में आते लेकिन अदरवाइज आपका इनफ एक ऐसा वर्ब है विच इज यूज्ड एनफ uh, एक ऐसा एडवर्ब है नॉट वर्ब विच इज यूज आफ्टर दुड इनफार इनफ है ना, वाइज इनफ केयरफुल इनफ राइट तो वाइज एनफ वाइज की जगह क्या आएगा जी वाइज एनफ गला कैसे खराब होने लग गया यार आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट वेरी <coughs> okay तो तो देखो तो ये जो लॉजिक है मतलब आता है तो नंबर दे जाएगा नहीं आता तो नंबर नहीं देगा और लेकिन आता हर एक एग्जाम में है ये दो होते हैं ठीक है एक होता है सेल्डम If ever, seldom, or never, ये होता है शायद ही कभी शायद कभी भी नहीं बस ये पॉजिटिव टोन में यूज होता है ये नेगेटिव टोन में यूज होता है ठीक है ये होता है शायद ही कभी शायद कभी भी नहीं कहने कहने के, के फर्क है भाई साहब जो सुंदर लगे लगा लो आंसर बी पार्ट है सो so सिंपल यार राइट right? शाबाश गाइस तो नेक्स्ट देखते हैं चलो एम्प्लॉज मस्ट बी वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर एंटरिंग इन टू द वर्क एरिया बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें भी कि भाई साहब <coughs> एंटर इसका जन्म कैसे हुआ है गाइस? वेंट प्लस टू वेंट प्लस इंटू इज इक्वल टू एंटर वेंट प्लस इंटू इज इक्वल टू एंटर यानी कि एंटर के बाद इंटू नहीं आ सकता है जब उसमें ऑलरेडी वो मौजूद है तो दोबारा लगाने की क्या जरूरत है ठीक है एम्प्लॉइज मस्ट बी वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट बिफोर एंटरिंग द वर्क एरिया आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट हा एंटर के बाद इंटू आ भी जाता है एंटर के बाद इंटू आ भी जाता है जब वो कुछ एग्रीमेंट वगैरह हो यानी कि फिजिकल मोशन नहीं हो ठीक है कभी उसका भी क्वेश्चन करवा देंगे आपको टेंशन लेने का नहीं है ना आई एम टू एट देखो ऐसे क्वेश्चन एक बार बच्चों को लगता है कि लंबे चौड़े क्वेश्चन जो होते हैं बड़े टफ होते हैं मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे ऐसे पप्पू पप्पू से, से क्वेश्चन होते हैं ना ये बड़ा तंग करते हैं ये बड़ा तंग करते हैं क्योंकि कम शब्द है हम जज नहीं कर पाते ठीक है देखो से समथिंग टू फेस ये जो है गाइस एक इडियम है ये जो है गाइस एक इडियम है जो ऐसे ही यूज होता है तो आंसर इज सी पार्ट यहां पे आठ नहीं आएगा यहां पे बचा लो टू आएगा ओवर एंड आउट नेक्स्ट देखते हैं कंपनी इंसिस्टेड दैट मनी इज पेड इमीडिएटली अब यार इसको तो कैसे करो सर ये मेरे को जचा नहीं भाई यहां पे बुरा लग रहा है तो लग रहा है क्या करें मनी यहां पे आप शुड भी लगा लो अकेला भी लगा लो कुछ भी लगा लो आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट द कंपनी इंसिस्टेड दैट मनी बी पेड इमीडिएटली या शुड बी पेड इमीडिएटली राइट आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट ओके जी नेक्स्ट देखते हैं गाइस दे इंसिस्ट टू प्ले म्यूजिक एट नाइट देखो तो स्टूडेंट्स ये दो कॉम्बिनेशन याद रखना एक तो होता है परसिस्ट इन प्लस वर्ब के साथ आई एनजी और एक होता है इंसिस्ट प्लस ऑन प्लस वर्ब के साथ आई एनजी परसिस्ट इन इंसिस्ट ऑन राइट तो यहां पे आप देखो इंसिस्ट के बाद है टू प्ले गलत टू प्ले ये गलत है के बाद आएगा ऑन ऑनइंग आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट वेरी सिंपल यार लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेल्थ इज ओनली द एंड इज़ हैप्पीनेस तो वे इज अमीरी सिर्फ एक जरिया है अंत खुशी है यहां पे आप अगर देखें ना नाउन चैप्टर की आपको अगर नॉलेज है तो जो मीन्स होता है ना मीन्स होता है जरिया मीन्स <coughs> होता है जरिया तो यार मीन्स काउंटेबल है ठीक है ना इस सिंगुलर भी ऐसे ही होता है मैनी मीन्स और अ मीन्स तो यहां पे वेल्थ इज है तो सिंगुलर है वेल्थ इज ओनली अ मीन्स भाई साहब आर्टिकल अगर मैं ऐसा लिखूं आई सॉ बॉय गलत है आई सॉ बॉय सही है राइट right. तो आंसर इज योर विच पार्ट गाइज वी वाट वेरी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस आई डाउट दैट ही विल कम भाई क्या है जब डाउट ही है इसका मतलब क्या होगा या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा है कि नहीं आई डाउट दैट ही विल कम नहीं रे नरेशन में किया था ना या तो इफ कर लो या फिर वेदर कर लो आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट बचा लो सो so सिंपल यार सो सिंपल आई होप सबको क्लियर हो गया होगा गाइस ठीक है तो फटाफट फड़ से गाइस दस में से अपना जो भी स्कोर है मुझे अपडेट कर अपडेट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में सेशन को कर दीजिए लाइक like, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल सी नेक्स्ट सेशन चहन गाइस